फिल्म देखने का मजा तो तब आता है जब कहानी बहुत ही ज़बरदस्त हो। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी मूवीज़ बताने वाला हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। मेरा नाम है नुमान गजाली और आज मैं हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट मूवीज़ बताने जा रहा हूँ। चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 की जो मूवी है वो मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है जिसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये मूवी 1994 में आई थी। ये कहानी है दोस्ती, उम्मीद और आज़ादी के बारे में और इस मूवी की जो एंडिंग है वो बहुत ही कमाल की है। कहानी स्टार्ट होती है एंडी नाम के एक लॉयर से। एंडी को अपनी बीवी के कत्ल में उम्र कैद हो जाती है। वो शॉशैंक जेल में शिफ्ट हो जाता है लेकिन अंदर रह के भी वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो हमेशा ट्राई करता रहता है कि उसने जेल से बाहर निकलना है। तब वहाँ पे उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बनता है जिसका नाम होता है रेड। जेल में रह के उसकी जर्नी कैसी रहती है ये भी इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जितने भी बुरे हालात हों अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इतने सालों के बाद ये मूवी IMDb पे नंबर 1 पे है। अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप क्या कर रहे हैं, ये मूवी ज़रूर देखें। नंबर 2 की मूवी बहुत कमाल की है, नाम है फॉरेस्ट गम। ये मूवी भी 1994 में आई थी। ये फिल्म इंसानी जज्बात को बेहतर तरीके से दिखाती है। स्टोरी एक सीधे साधे इंसान फॉरेस्ट की है जिसके लोग जो कुछ कहते हैं वो करता रहता है। फॉरेस्ट अपनी सिंपलिसिटी और जज्बात से सबका दिल जीत लेता है। आमिर खान ने भी इस मूवी का एक रीमेक बनाया है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। ये मूवी पिछले साल ही आई थी। ये मूवी हमें सिखाती है कि जिंदगी का सफर अनएक्सपेक्टेड होता है। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 3 पे है द गॉडफादर 1972। ये मूवी बहुत पुरानी है लेकिन इतने सालों के बाद भी अभी तक इस मूवी की स्टोरी को कोई बीट नहीं कर सकता। इस मूवी की मेन स्टोरी एक माफिया गैंगस्टर पर होती है। उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा होता है ये सब कुछ इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। कोरोनोल फैमिली का एक जबरदस्त डॉन जो अपने बेटे माइकल को अपनी माफिया लेगेसी सौंपता है। माइकल के रास्ते में क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन चीजों से उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये इस मूवी के अंदर बहुत से दिखाया गया है। इस मूवी की कहानी बहुत ही कमाल की है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये मूवी आप जरूर देखें। नंबर 4 की मूवी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग। ये मूवी 2003 में आई थी। ये फैंटेसी और एडवेंचर फिल्म है। इस मूवी के अंदर एडवेंचर को बहुत ही कमाल तरीके से दिखाया गया। एक अंगूठी जिसमें दुनिया की तकदीर छुपी हुई है और अगर ये अंगूठी सौरभ जो इस मूवी का विलन है उसको मिलेगी तो वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। अगर आप फैंटेसी और एडवेंचर मूवी के फैन है तो ये मूवी आपके लिए बहुत अच्छी है। नंबर 5 की मूवी है इंसेप्शन। ये मूवी 2010 में आई थी। हम लोग अपने ख्वाबों को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ लोगों ने अपने ख्वाबों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो आपके दिमाग को टोटली हिला कर रखती है। ये एक साइफाई एडवेंचर मूवी है। कॉब एक ऐसा इंसान जो दूसरों के ख्वाब में दाखिल हो सकता है। एक ख्वाब में एक ख्याल बिठाने का वो एक मिशन पे है लेकिन ख्वाब और हकीकत की लाइन धुंधली होती जा रही है। इस मूवी की कम्प्लेक्सिटी और विजुअल इफेक्ट बहुत ही कमाल के हैं। नंबर 6 की मूवी है गोल्ड पैलेस 1999। ये कहानी है हेनरी हिल की जो हमेशा से एक गैंगस्टर बनना चाहता है। हेनरी हिल की कहानी जो माफिया के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करता है लेकिन धोखे और जुर्म उसको अंजाम तक ले जाए। जब ये मूवी आई थी तो इसने क्राइम मूवीज को एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। नंबर 7 की मूवी है फाइट क्लब। ये मूवी 1999 में आई। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी। एक इंसान जो अपनी डेली रूटीन से बेजार हो गया है वो अपने एक दोस्त से मिलता है और एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब शुरू करते हैं। ये फाइट क्लब एक रिबेलियन बन जाता है जो सोसाइटी के रूल्स को तोड़ देता है। मूवी स्मूथ जा रही होती है लेकिन एकदम मूवी का जो एंड होता है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। अगर आपने ये मूवी एक बार देखी तो ये मूवी आपको जहन में बैठ जाएगी। नंबर 8 की जो मूवी है इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। मूवी का नाम है द डार्क नाइट। ये मूवी सुपर हीरो का एक नया चेहरा दिखाती है। हीरो और विलेन दोनों की दरमियान की लकीर कभी भी क्लियर नहीं होती। बैटमैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मिलता है। बैटमैन को एक ऐसा इंसान मिलता है जिसका नाम होता है जोकर। इस मूवी के अंदर गौतम सिटी को बचाने के लिए बैटमैन को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इस मूवी की स्टोरी और साउंड ट्रैक और क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन की वजह से ये मूवी बहुत फेमस है। इस मूवी के अंदर एक्शन और इमोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है। नंबर 9 की मूवी है पियानिस्ट। ये मूवी 2002 में आई थी। जंग के एक दौर में म्यूजिक इंसान का एक आसरा बन गया है। द पियानिस्ट एक इमोशनल और एक पावरफुल कहानी है।
एड्यूस पियानिस्ट जो ना कि इंटेंशन में रह के अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाता है और अपनी म्यूज़िक के साथ क्या क्या करता है, ये इस मूवी के अंदर बेहतर तरीके से दिखाया गया है। और उसके साथ क्या क्या होता है ये मूवी आपको रुला देंगे। और गाइस आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 की जो मूवी है उसका नाम है द मैट्रिक्स। ये मूवी 1999 में, मूवी की कहानी में एक हैकर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लियो। उसको पता चलता है कि उसकी दुनिया रियल है या एक डिजिटल इल्यूजन है जिसको मशीन कंट्रोल करती हैं। अब उसका मिशन है कि हकीकत को समझना और इस दुनिया को बचाना। ये एक्शन फिलोसफी टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस फिल्म ने साइफाई जॉनरा को एक सिनेमैटिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इस मूवी के अंदर एक्शन को बहुत ही कमाल का दिखाया गया है। आज भी ये मूवी बहुत ही कमाल की है। और दोस्तों ये कुछ मूवीज थी जो मैंने आज आपको रिकमेंड करनी थी। अगर आपने इनमें से कोई मूवी अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी जरूर देखें। आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।